सारे बंदे जो नए कबूतर पाल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई नर कबूतर की पहचान और मादा कबूतर की पहचान कैसे करें। शायद कन्फ्यूजन तो अभी आप लोग को भी होगा इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप देख रहे भाई, इसमें इसके अंदर, इस पिंजरे के अंदर मैंने एक नर और एक मादा को रखा है, लेकिन बहुत सारे भाई अभी भी कन्फ्यूजन में होंगे कि इसमें से नर कौन सा है और मादा कौन सा है। क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि भाई पहला मैं बताया तो पहला पॉइंट क्या होता है, नर मादा की जो भाई मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि जो नर कबूतर होता है वो मादा कबूतरों से बड़े होता है बॉडी में, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल जो अभी आप देख रहे हो, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो कलसीरा भाई ये मादी हो और ये नर हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो फीमेल कबूतरी है वो नर कबूतर से छोटी हो, ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इस बात से आप बिल्कुल भी आप मतलब कि आप कह सकते हो भाई कि बहुत रेयर कम में ही ऐसा होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि साइज मायने नहीं रखता है कबूतरों में नर मादा की पहचान के लिए, ये आप पहले समझ जाओ। ये तो ये हो गया भाई, देख लो। अब देखो मैं बताता हूँ क्या है दूसरा पहचान। जो भाई नर कबूतर होगा ना, उसका गर्दन देखना आगे से, और मादी कबूतर की जो गर्दन होगी वो पतली होगी। देखो ये देखो मादी कबूतर, इसकी बॉडी देखो आगे से पतली है, नर कबूतर का देखो गर्दन फुला हुआ है। और जो इसका जो सिर का आकार है भाई नर का, वो हल्का गोल टाइप में होगा, देखो। और ये देखो मादी। तो भाई नर मादा पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं भी करके दिखा देता हूँ। अब इसमें से मैं इस नर को हटा के दूसरा नर डालूंगा, उसके बाद देखना भाई नर कबूतर किस तरह से मादी को देख के मस्ती में आएगा। तो भाई बात ऐसा है कि ये पिंजरे में थोड़ा सा डर रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटा पिंजरा है तो इसके अंदर ये गुटक नहीं रहा है, डर रहा है। इसे मैं लॉफ्ट के अंदर छोड़ के दिखाता हूँ कि देखना नर जो कबूतर होगा वो मादी को देख के किस तरह से गुटकना शुरू कर देगा। मादी भाई बहुत कम गुटकती है, 9 के बराबर, लेकिन नर कबूतर है वो बहुत ज़्यादा गुटकता है, उससे भी आप एक पहचान कर सकते हो। भाई देखो मादी मैंने छोड़ दिया, वो नीचे वाला केज में बैठा हुआ, देखो ये नर छोड़ दिया, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा गुटकेगा नर कबूतर मादी को देख के, तो इससे नर और मादी का पता आसानी से लगा सकते हो। देखो बोला था ना भाई कि वो छोटा सा केज है, इसलिए उसे थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था, तो मैं सोचा क्यों नहीं भाई प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखे मादी, ये देखे नर, ये देखे इस तरह से जोड़ा लगाएगा भाई। जब नर और मादा कन्फर्म हो जाता ना तो कबूतर आराम से जोड़ा लगा लेता। देखिए आप, ये देखिए नर कबूतर और वो है मादी। तो भाई इस तरह से आप पहचान कर लेना नर और मादी की, बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपको कबूतर को छूना वगैरह नहीं है, और आसानी से पहचान कर लो नर कबूतर कौन है, मादा कौन है। देखे भाई कलसीरा जो नर है और फुलसीरा मादी है, देखें ये भी नर है भाई, देखो ये भी गुटक रहा है, देखो ये भी नर है भाई। नर कबूतर जो होता है ना भाई, उसका एक अलग ही पहचान है, ये देखें। और देखो भाई मादा कबूतर, देखो ये भी जो नर कबूतर भाई वो भी गुटक रहा है, देखें। तो भाई जिस बंदे को नर और मादे में फ़र्क नहीं पता था भाई, मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। देखो नर गुटक कबूतर गुटक रहा हुआ, ये है जोड़ा, और नर कबूतर मादा पहचानने के बहुत ही आसान तरीका भाई। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, कबूतर को आराम से रख दें, जब भी आप कोई कबूतर लेके आए तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। कोई भी कबूतर अगर नर नर है तो जोड़ा नहीं लगेगा, चाहे मादा मादा हो तो जोड़ा नहीं लगेगा, और आप इसी तरह से रखे रह जाओगे, लेकिन आपका कभी भी कबूतरों का जोड़ा लगेगा नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, कबूतर को रख के भी दिखा दिया भाई, नर मादा की पहचान भी करा दिया। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी बंदे को पता चले जाए।